नमस्कार, आप जो रहा छो आईसीबी न्यूज। फी वधारा मामले हवे अखिल क्षत्रिय ठाकुर एकता समिति अध्यक्ष है नवघन ठाकुर मैदान में आया है। आपने जणावी दईए कि अखिल क्षत्रिय ठाकुर एकता समिति अध्यक्ष और साथ साथ ओबीसी एससी एसटी लीडर जो है नवघन भाई ठाकुर द्वारा फी वधारा मामले आंदोलन की चीमकी उच्चारवामां आवी छे। अखिल क्षत्रिय ठाकुर एकता समिति अध्यक्ष और ओबीसी एसटी एससी समाज लीडर तरीके एक नवघन ठाकुर गुजरात में चलता विद्यार्थियों फी माफी आंदोलन जे गुजरात में चाले से विद्यार्थियों की फी सरकार श्री ने माफी करवी जोईए अने फी माफी आंदोलन की अंदर विद्यार्थी अने तेमना वालीओं जे लड़त चाले से एने समग्र गुजरात की प्रजा वती से हूँ नवघन ठाकुर समर्थन जाहिर करूँ। अरे गुजरात सरकार ने हूँ विनंती करूँ छूँ कि कोरोना जेवा महामारी नी अंदर अने गुजरात में लॉकडाउन होवाथी समग्र गुजरात की प्रजा पेमाल थई गई है। गरीब मध्यम वर्ग नी जोड़े बिल्कुल पैसा नहीं, एटले गुजरात सरकार ने तात्कालिक विद्यार्थियों की फी माफी करवी जोईए। शाळाना संचालकों सरकार नु केवू ना मानता हो तो एमनी जोड़े कड़क में कड़क पगला लई एमना उपर फौजदारी केस दाखल करवा जोईए अने को तो एमनी शाळानी मान्यता रद्द करवी जोईए। जो विद्यार्थियों की फी माफी करवा नहीं आवे तो समग्र गुजरात ना तमाम जिला मथकों अने तमाम तालुका मथकों में लॉकडाउन पूरू थाय एटले तरत ज अखिल क्षत्रिय ठाकुर एकता समिति परिवार अने ओबीसी एसटी एससी समाज मळी अने गुजरातना तमाम विद्यार्थियों माटे अमे उग्र आंदोलन करीशुं। गांधीनगरनी अंदर सचिवालयनी सामे धारणा करीशुं अने गुजरातनी अंदर गरीब पसात विकासथी वंचित अने मध्यम वर्गना लोकोने कोई पण एमनी वात रजू करवी होय तो गुजरातमां आंदोलन करवुं छे। आवी एक परंपरा थई गई छे एटले गुजरात सरकारने हुं विनंती करूं छुं कि आवा ભયંકર મહામારી જેવો પ્રભાવ હોય, લોકોને ખાવા ધોણા ના હોય તો એ ફી ક્યાંથી લઈને ભરે વિદ્યાર્થીઓની? અને શાળાની અંદર વિદ્યાર્થીઓને ભણાયા નથી ને સંચાલકો ફી માગે છે, એટલે ગુજરાત સરકારની એક ફરજ છે કે વિદ્યાર્થીઓની ફી માફી કરવી જોઈએ અને સમગ્ર ગુજરાતના ભારતીય જનતા પાર્ટીના અને કોંગ્રેસના તમામ ધારાસભ્યોને હું વિનંતી કરું છું કે તમને પરજાએ મત આપીને ધારાસભ્ય બનાવ્યા છે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ માટે, વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ માટે અને આ ગુજરાતની પ્રજા માટે તમે વિદ્યાર્થીની ફી માફી માટેનો પત્ર લખો, મુખ્યમંત્રીશ્રીને સરકારને રજૂઆત કરો અને વિદ્યાર્થીઓની ફી માફી થવી જોઈએ અને વિદ્યાર્થીઓની ફી માફી કરવામાં નહીં આવે તો સમગ્ર ગુજરાતની અંદર લોકડાઉનના પર્વ પછી અમે ઉગ્ર આંદોલન કરીશું। સરકારને જે કરવું હોય તે કરે એવી ચોખ્ખી અમારી સરકારને ચીમકી છે। સર્વ ગુજરાતીઓને મારા નવઘન ઠાકોરના જય જય ગરવી ગુજરાત।